मैं रहता हूँ, वहीं कर दीजिए मुझे। पहला क्वेश्चन, रेडी। तो गाइज, क्या आप लोग मुझे अब सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? तो मैं आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा हूं, मैं आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा हूं। ठीक है, और आंसर की बात करें, आंसर ये कहाँ पे है? ये हवाई आइलैंड ऑफ माउ, यूएसए में एग्जैक्टली में है ये हवाई आइलैंड है ये। तो यहाँ पर ये टेलीस्कोप है जो आपके इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ N95 मास्क एंड ऑल काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विथ इमीडिएट इफेक्ट टू अवॉइड द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट? क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो चल रहा है, तो जो मास्क होते हैं या फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं या कपड़े होते हैं जिससे हम वायरस से बच सकते हैं, उसके एक्सपोर्ट पर इस देश ने बैन लगा दिया, क्योंकि इस देश को लगता है कि ये सारी चीजें हमारे देश में इसकी डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू कोरोना वायरस। वो कौन सा देश है ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इंडिया होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो इंडिया इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो इंडिया साइंड MOU वर्थ ऑफ 2.49 मिलियन टू एस्टैब्लिश अड्डू टूरिज्म जोन विथ विच कंट्री? मैं आपको ये परसों वाली क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ 2.49 मिलियन डॉलर का एक एग्रीमेंट साइन किया है, वहां का जो एक एरिया है अड्डू उसको टूरिज्म जोन में डेवलप किया जाएगा, और आंसर इस मालदीव, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। मालदीव हमारा सही आंसर है। मालदीव के बारे में बात कर लें तो मालदीव की कैपिटल माले है, करेंसी मालदीवियन रुफिया यहां पर चलता है, और प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज अपॉइंटेड मोहम्मद तौफीक अल्लावी? मोहम्मद अल्लावी ये तो आप लोगों को पता है, एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर इन February 2020, ठीक। ही सक्सीड आदिल अब्दुल मेहदी। तो मोहम्मद अल्लावी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? गाइज आपको पढ़ाया गया, अपॉइंटमेंट वाली क्लास से मैंने आपको पढ़ा दिया था। रेड्डी साहब लड्डू एकदम अच्छा है, बढ़िया है, एंड द आंसर इज इराक, ऑप्शन नंबर 2। तो मोहम्मद अलावी इराक, याद रखेंगे हम लोग, आगे बढ़े। अगर इराक की कैपिटल की बात करें तो इराक की कैपिटल बगदाद है, और करेंसी इराकी दिनार है, तो बगदाद और दिनार याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द थीम फॉर द 2020 कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग फॉर कॉमनवेल्थ डे इज डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग द CHOGM मीन्स कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। ये कहां पर हुई थी ये आपसे पूछा गया, थीम आपको बता दी गई है, कहां पर हुआ ये आपसे पूछा गया है। अच्छा अधिकारी साहब, ठीक है, आंसर की बात करें, व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या होगा इसका? और बेरी एलन बोल रहे हैं नैरोबी केन्या, नायक बोल रहे हैं एक्रा घाना, वैष्णवी बोल रही है ऑप्शन नंबर 2, प्रेरणा बोल रही है ऑप्शन नंबर 2 मतलब केन्या। तो इसका आंसर किगाली रवांडा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। किगाली रवांडा हमारा सही आंसर है। तो देख लीजिए यहां पर CHOGM की ये मीटिंग कहां पर हुई, रवांडा में हुई, किगाली रवांडा, ठीक है। आइए अब आपको रवांडा के बारे में बता दें, तो रवांडा की कैपिटल किगाली है, और करेंसी रवांडियन फ्रैंक है, तो फ्रैंक ये याद करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वुमेन सिंगल चैंपियन ऑफ 108th एडिशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन सोफी कैनन बिलोंग टू विच कंट्री? तो सोफी कैनन जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का फीमेल खिताब जीता, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का 108वां एडिशन था। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं ये आपसे पूछा गया है, VF5 ऑप्शन। और आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा USA, ऑप्शन नंबर 3। तो देख लो यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन सिंगल खिताब किसने जीता, सोफी कैनन ने जीता, ये USA से बिलोंग करती हैं। और अगर आपको हम पूरी इंफॉर्मेशन की बात करें तो पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, मैन सिंगल नोवाक जोकोविक ने जीता, वुमेन सिंगल सोफी कैनन ने जीता, US से बिलोंग करते हैं, कौन कौन रनरअप था उसकी भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है। इसके अलावा मेंस डबल, वुमेन्स डबल, मिक्स डबल, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, आप स्लाइड से याद कर लीजिएगा। अर्श रॉय बोल रहे हैं PDF नहीं मिल रहा है, जीए भाई अभी सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सारे PDF के लिए, वैसे PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा क्लास होने के बाद भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
इंडिया इज द फर्स्ट क्रिकेट टीम टू विन अ 5-match T20 सीरीज बाई 5-0 इंडिया अचीव दिस फीट अगेंस्ट विच क्रिकेटिंग नेशन. तो भारत पहला देश बन गया है जिसने किसी भी टीम के खिलाफ 5-0 से T20 सीरीज जीती. हालांकि उसके बाद की बात यह है कि इंडिया 3 वनडे की सीरीज 3-0 और 2 टेस्ट की सीरीज 2-0 से हार भी गई. फिलहाल इसका आंसर न्यूजीलैंड होगा. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है. कोई भी टीम पहली बार टी ट्वेंटी में 5 मैचों की सीरीज हुई और पहली बार किसी टीम ने 5ों क्लीन स्वीप किया. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड लॉक्टस एज नेशनल एमरजेंसी आफ्टर द वर्स्ट इन्वेंशन ऑफ लॉक्टस कॉजिंग मेजर डैमेज टू द क्रॉप इन एडिशन टू पाकिस्तान. यानी टिड्डे होते हैं ना, टिड्डे कीड़े मकोड़े. तो पाकिस्तान के अलावा वो कौन सा देश है जिसने टिड्डों को राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में घोषित किया है बिकॉज ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. तो पाकिस्तान ऑलरेडी है और इसका आंसर सोमालिया. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. वेरी गुड, सोमालिया हमारा सही आंसर है. और सोमालिया की बात करें, कैपिटल इज मोगादिशु एंड द करेंसी इज सोमाली शिलिंग. तो ये सब भी आपको याद करते चलना है. आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अल्बिन कुर्ती रिप्लेसिंग रामुश हरदिनाज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ. तो अल्बिन कुर्ती को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है ये आपसे पूछा गया है. आपके सामने 5 ऑप्शन है, आपको इसका सही आंसर देना है गाइस. तो देख लीजिए आराम से, सही आंसर दीजिएगा. अल्बिन कुर्ती की हम बात कर रहे हैं, क्या इसका आंसर होगा? दिनेश जी कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगा. एंड द राइट आंसर इज कोसोवो. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. बहुत सही आंसर तुम दे रहे हो यार, कहां आज तुम लोग क्या खा के आए हो. चलो, कैपिटल प्रिस्टीना एंड द करेंसी इज यूरो. किसकी? कोसोव की. ठीक है, ये भी हमें याद कर लेनी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. जोर्गे वंका तब कोकोवी हैज वॉन द टाइटल ऑफ गोल्डन सेंट्रल बैंकर अवार्ड 2020 अनाउंस बाय बैंकर मैगजीन. तो ये जो तब कोकोवी हैं वो कौन से देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं ये आपसे पूछा गया. ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, आंसर आपको देना है. व्हाट इज द आंसर देख लें यहां पर आराम से. और प्रमोद बोल रहे हैं अभिजीत सर. प्रमोद थैंक यू सो मच मुझे मेरा नाम बताने के लिए. एंड द आंसर इज सर्बिया. ऑप्शन नंबर 3 सर्बिया हमारा सही आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. सर्बिया में कौन सी करेंसी चलती है? सर्बिया में चलती है दिनार. क्या चलती है? दिनार. तो आप लोग को शायद याद होगा ना मेरी एक ट्रिक जो मैं पढ़ाता हूं, जॉली बिस्किट है ना. जॉर्डन, लीबिया, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, इन सब देशों में क्या चलता है? दिनार चलता है. दिनार की ट्रिक है जॉली बिस्किट. ठीक है, तो आप ट्रिक के थ्रू भी दिनार से याद कर सकते हैं. सर्बिया बीच में आएगा, आप देख लीजिएगा. आइए नेक्स्ट पॉइंट. विच डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैज वॉन द 16th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोल्डन कोंच अवार्ड 2020. तो किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कोच अवार्ड जीता ये आपसे पूछा गया है. शक्तिकांत दास वाला पॉइंट भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं इस पर भी. अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं मॉर्निंग में 7 AM पे और ये सेशन, तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़े कहीं से पढ़ने की. चलिए आंसर क्या होगा? आंसर इज बबेनको. टेल मी व्हेन आई डाई. बबेनको टेल मी व्हेन आई डाई. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. और गाइस अगर आगे बढ़े तो बबेनको टेल मी व्हेन आई डाई इज अ 2019 ब्राजीलियन डॉक्यूमेंट्री. यानी आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है ये कौन से देश की डॉक्यूमेंट्री थी, ब्राजीलियन. और इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे? इसके डायरेक्टर बारा पास थे. तो ये भी आपको याद करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट मूवी अवार्ड इन द 73rd एडिशन ऑफ बाफ्टा अवार्ड 2020 हेल्ड इन रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन यूके. तो यूके, लंदन यूके में आयोजित बाफ्टा पुरस्कार के 73rd एडिशन में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता ये आपसे पूछा गया है. 5 ऑप्शन. व्हाट इज योर आंसर? विकी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग विकी बेटा, ये गुड आफ्टरनून हो चुका है. 12:13 हो चुके हैं. ठीक है, जब जागो तभी सवेरा कहा गया है, लेकिन वी आर रॉक स्टार, वी आर नॉट नाइट राइडर. ठीक है, चलिए आंसर की बात करें. 1917 ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. 1917 हमारा सही आंसर है. आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. वेयर इज द फर्स्ट एवर ग्लोबल फोरम ऑन चाइल्डहुड निमोनिया हेल्ड एट 2020. तो चाइल्डहुड निमोनिया पर पहली बार वैश्विक मंच कहां पर आयोजित किया गया था? वी हैव 5 ऑप्शन अगेन. व्हाट इज योर आंसर? चलिए आंसर की बात करेंगे. व्हाट इज द आंसर गाइस? आंसर हमारा क्या होने वाला है?
और आंसर इज बार्सिलोना स्पेन, स्पेन बार्सिलोना स्पेन, स्पेन कैपिटल मैड्रिड एंड द करेंसी इज यूरो, है ना। तो ये भी आपको बता दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच कंट्री हैज इंडेड फ्री एंट्री ऑफ इंडियन टूरिस्ट एंड डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट डेली फी ऑफ ₹1200 फॉर रीजनल टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया फ्रॉम जुलाई। मतलब जुलाई से अगर आप भूटान में घूमने जाते हैं तो आपको पर दिन का ₹1200 देना पड़ेगा भूटान गवर्नमेंट को। ठीक है, आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे बच्चे, आंसर इज भूटान। आप लोग काफी टैलेंटेड है, भूटान हमारा सही आंसर है। भूटान की करेंसी क्या है? नगलट्रम। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। तो ये सब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। करेंसी कैपिटल, करेंसी नगलट्रम, कैपिटल थिम्पू, याद होगा हमें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, रिसेंटली इन फरवरी 2020 विथ विच कंट्री इंडिया साइंड अ 4 MOU इन द फील्ड ऑफ रिसर्च इन नैनो टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड हायर एजुकेशन। 4 MOU, नैनो टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हायर एजुकेशन। इंडिया ने कौन से देश के साथ ये MOU साइन किए, ये आपसे पूछा गया है। अंशुल बोल रहे हैं नॉर्वे। क्या नॉर्वे सही आंसर हो जाएगा? बैरी एलन भी हैं, सीधे कनाडा से जुड़े हमारे साथ और बोल रहे हैं नॉर्वे। एंड राइट आंसर इज नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नॉर्वे हमारा सही आंसर है, वेरी गुड। नॉर्वे की बात करें तो कैपिटल इज ओस्लो एंड द करेंसी इज क्रोन, तो ये भी हमें याद कर लेना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम लोग आज क्या खा गया हो भाई, सब सही बोल रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली इन फरवरी 2020 न्यू दिल्ली होस्टेड अ मिनिस्ट्रियल लेवल डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2020 टू बूस्ट द डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज। द कॉन्फ्रेंस वॉज बिटवीन इंडिया एंड विच एशियन नेशन। एशियन कंट्री है इंडिया, और इस कंट्री के मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग हुई जहां पर मुद्दा था टू बूस्ट द डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज। तो वो कौन सा देश था, ये आपसे पूछा गया है। और यहां पर बच्चे बफरिंग चला रहे हैं, बफरिंग तो नहीं हो रही है शायद ना, हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, और आंसर क्या होगा? एसके मतलब साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर, साउथ कोरिया। पलक जी बोल रही हैं, अधिकारी साहब बोल रहे हैं, प्रेरणा कुमारी बोल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है मून जा इन, ये प्रेसिडेंट है, कैपिटल सियोल है एंड द करेंसी वॉन है, वॉन है। ठीक है, ठीक है, चलिए, बढ़िया, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज पर रिपोर्ट ऑन कैंसर सेटिंग प्रायोरिटीज, इन्वेस्टिंग वाइजली एंड प्रोवाइडिंग केयर फॉर ऑल, 1 in 10 इंडियन टू हैव कैंसर इन देयर लाइफ टाइम, द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाई। तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है गाइज, और इस मौके पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन कैंसर सेटिंग प्रायोरिटी, इन्वेस्टिंग वाइजली एंड प्रोवाइडिंग। रिपोर्ट का नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, ये याद रख लीजिएगा। अगर आपको थीम याद है, थीम कमेंट में कर दीजिए। अब भाई बात हो रही है डिसीज की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही ये रिपोर्ट पब्लिश करेगा, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन है जो वो इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, WHO ने प्रिडिक्ट किया है द कैंसर केसेस इन पुअर कंट्री, गरीब मुल्कों में, विल जंप बाय हाउ मच परसेंट बाय 2040। तो 2040 में जो रिपोर्ट की बात हम कर रहे थे ना, उस रिपोर्ट में कहा गया कि गरीब देशों में 2040 तक कैंसर इतना परसेंट हाइक हो जाएगा, वो परसेंटेज आपको बताना है, आंसर दीजिएगा। आई एम एंड आई विल, वेरी गुड। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 81%, ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट 79, 81%, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बैरी एलन जो कनाडा से हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं यहां पर। तनुजा 67 बोल रही है, मतलब अंधेरे में तीर था, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विच मिडिल ईस्ट कंट्री रिसेंटली डिस्कवर्ड अ ह्यूज शैलो गैस रिसोर्सेज कॉल्ड जबल अली गैस फील्ड। तो किस देश में जबल अली गैस फील्ड पाया गया है, जहां पर विशाल उथले गैस संसाधनों की खोज की गई है। तो देख लीजिए, जबल अली गैस फील्ड कहां पर मिला, ये आपसे पूछा गया है, आंसर क्या होगा, चलिए। और आंसर की बात करेगा इस, तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। कल मैंने इसकी कैपिटल करेंसी बता रखी है, तो मैं बार बार तो बताऊंगा नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलैक्स द रूल, the airline need to have minimum 20 aircraft to operate internationally to Allianz Air in operating flight between India and this country। यानी कि कोई भी एयरलाइन अगर उसे इंटरनेशनली मतलब जाना है, तो आपके पास कम से कम 20 फ्लाइट होनी चाहिए। तो इंडिया ने किस कंट्री के लिए इसमें छूट दी है, ये आपसे पूछा गया। मतलब ये देश श्रीलंका में तो लेकर जाएगा अपने एयरक्राफ्ट, बट उसके पास उतने अभी 20 नहीं है एयरक्राफ्ट इंटरनेशनली। तो श्रीलंका ऑप्शन नंबर 2, और कौन सा एयरलाइन,
एलियंस ईयर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड फर्स्ट एवर टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंपोर्टिंग 2 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ यूरल्स ग्रेट क्रूड ऑयल टू इंडिया फॉर द ईयर 2020। यानी क्रूड ऑयल में एक तरह का कैटेगरी है यूरल ग्रेड, तो इंडिया कौन से देश के साथ ये 2 मिलियन मेट्रिक टन परचेस करेगा, ये आपसे पूछा गया है और इसका आंसर आपको देना है। व्हाट इज द आंसर क्या है, ये 5 ऑप्शन। और आंसर की बात करें आंसर अंशुल बोल रहे हैं यूएस, और ठीक है विक्रम अधिकारी बोल रहे हैं ओमान, स्वराज बोल रहे हैं यूएस, एंड द राइट आंसर इज रशिया, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कुछ याद नहीं है, अंधेरे में तीर मारे पड़े हो। एक्चुअली जो ये एरो होता है ना, एरो आप लोग बचपन से देखते आते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सिंबल तो देखा है ना, आर पार हो जाना, तो मतलब आदत पड़ गई है तीर मारना, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हु हैज बीन अनाउंस एज एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट बाय ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स वाइल अनवीलिंग द चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड फॉर इंडिया। तो भारत के लिए बाल संरक्षण कोष का अनावरण करते हुए ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस चार्ल्स ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के अम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया है, ये आपसे पूछा गया, आपको सही आंसर देना है। आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा गाइस। और यहां पर आंसर की बात करें, अंशुल बोल रहे हैं हीमा, बैरन एलन बोल रहे हैं कैटी पेरी, क्या इसका आंसर है, तो कैटी पेरी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैज अनाउंस्ड टू वर्क विथ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना टू टैकल द आउटब्रेक ऑफ नोवेल कोरोना वायरस February 2020। तो इसमें से कौन सा ग्रुप है जो कि WHO और चाइना के साथ काम करेगा कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए, वो ग्रुप कौन सा है ये आपको बताना है, आंसर दीजिएगा। बैरी एलन बोल रहे हैं G20, अंशुल बोल रहे हैं G20 और थम मतलब कॉन्फिडेंट है ये इसका मतलब होता है। अमित पाटिल का पहला सही आंसर आया है और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर G7 है, मार सार्क मछली सब कर दो, G7 इज राइट आंसर। तो G7 में गाइस, G7 में 7 देश आते हैं, बेसिकली कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द UK एंड US। हालांकि अगर मैं बात करूं तो 2020 में जो G7 का समिट होने वाला है वो US होस्ट करेगा, ठीक, और इसमें रशिया की एंट्री दोबारा से होने जा रही है। पहले ये G8 ही था लेकिन बाद में ये G7 हो गया था ड्यू टू क्रोशिया में रशिया ने कुछ जगहों पर मतलब अपना कब्जा जमा लिया था, तो उसके लिए उसके बाद रशिया को G8 से हटा दिया गया और G7 हो गया था, लेकिन अभी रशिया की दोबारा एंट्री हो रही है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ 27 नेशन रिलीजियस फ्रीडम एलियंस फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द रिलीजियस फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कौन सा देश दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और संरक्षण के लिए 27 राष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन बनाने के लिए बात कर रहा है, व्हाट इज द आंसर। और यहां पे आंसर आ रहे हैं US एंड द आंसर इज US, ऑप्शन नंबर 4, US इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज 27 नेशन का एलियंस होगा ये फॉर द रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द मिनिस्ट्रियल मीट टू एडवांस रिलीजियस फ्रीडम इन July 2020। यानी जुलाई 2020 में धार्मिक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा देश जो है मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग करेगा अपने देश में, आंसर दीजिएगा, व्हाट इज द आंसर। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पोलैंड। बैरी एलन बिल्कुल सही, अंशुल गलत है आपका, पोलैंड ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर पोलैंड आपने दिया है। और अगर पोलैंड की बात करें, कैपिटल वॉर्शा एंड द करेंसी इज लोटी, तो ये सब आपको याद करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नासा एस्ट्रोनॉट हु रिटर्न्स टू अर्थ आफ्टर रिकॉर्ड लॉन्ग स्टे इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज, तो नासा की वो महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है, क्या नाम है उनका, ये आपको बताना है। गलत पढ़ लिया एंड द आंसर इज क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो क्रिस्टीना कोच की बात करें तो 328 दिन इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए और इन्होंने नासा की ही पैगी विट्सन का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये भी एक देख लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी करा चुका हूं आपको। द BBIN मेंबर नेशन वॉज डेलिबरेट टू साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इंप्लीमेंट मोटर व्हीकल। याद है ना, मैंने बोला था ये चारों देश आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में व्हीकल्स का मतलब व्हीकल्स आते आते रहते हैं, तो उसके लिए कॉमन नियम बनाने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। तो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, आपको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। नेपाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनवील्स द बैलिस्टिक मिसाइल राड 500 विच वॉज डेडिकेटेड टू द फॉर्मर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। तो राड 500 का अनावरण किसने किया और कासिम सुलेमानी को ये मतलब डेडिकेट किया गया है, जिनको यूएस ने एक ड्रोन हमले में मारा था। आइए आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ईरान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। तो राड 500 देख लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो ईरान, कैपिटल तेहरान, प्रेसिडेंट हसन रूहानी एंड द करेंसी इज रियाल, रियाल, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। वेयर वॉज द 13th एडिशन ऑफ द ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 बिटवीन 17 जनवरी टू 9 फरवरी। ये कहां पर हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो गाइस 13वां एडिशन जो है ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का, वो इंडिया हार चुका है फाइनल में। यानी कौन जीता, बांग्लादेश जीता, कौन हारा, इंडिया हारा, ये भी आपको पता है। चलिए श्रेया गुड आफ्टरनून, टाइम देख लीजिए एंड द राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर थ्री। तो ये 13th एडिशन ऑफ द ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में। विनर टीम कौन है, बांग्लादेश। हारी हुई टीम कौन है फाइनल में, इंडिया है। तो ये सब भी याद कर लिए, काफी लड़ाई झगड़ा वहां पर हो गया था, है ना। तो देख लो, इट वॉज सेकेंड टाइम साउथ अफ्रीका होस्टेड द टूर्नामेंट, दूसरी बार था, ठीक है। 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, बांग्लादेश जीता है, रनर अप इंडिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बांग्लादेश ने पहली बार ये टूर्नामेंट जीता था। चलिए, तो रकीब शमसुद्दीन हु हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम बॉलिंग बाय ICC फॉर द इलीगल बॉलिंग एक्शन बिलोंग टू विच कंट्री। तो इनका ये गेंदबाज है, इनका नाम है रकीब शमसुद्दीन। इनको ICC ने बैन कर दिया है बॉलिंग करने के लिए, इनका एक्शन सही नहीं पाया गया। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपसे पूछा गया और आंसर आपको देना है। बैरी एलन बोल रहे हैं ओमान, अंशुल बोल रहे हैं ओमान, मिर्जापुर वाले सीन हो गए। चलिए आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कनाडा, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। कनाडा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ICC हैज अवॉर्डेड द वुमेन चैंपियन ट्रॉफी टू विच क्रिकेटिंग नेशन फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने लगातार दूसरी बार किस क्रिकेट राष्ट्र को महिला चैंपियंस ट्रॉफी से सम्मानित किया। तो बेसिकली पहली बार भी यही टीम, दूसरी बार ये हो रहा है। तो पहली बार 2014 से लेकर 2016 तो जितने भी वनडे मैच खेले गए थे उसके हिसाब से निकाला जाता है कौन टीम जीता। और इस बार क्या था, 2017 से लेकर 19 तक, तो उसमें 8 टीम है वुमेन्स की, उसमें सबसे ज्यादा मैच जीते ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी का दर्जा दिया गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया हमारा सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन मुंबई। जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल कहां पर होगा भाई, मुंबई में हुआ। और आपसे पूछा गया है कि जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल मुंबई में हुआ। जेरूसलम किस देश की राजधानी है, तो ये तो मतलब बहुत हल्का क्वेश्चन हो गया। अगर इस करेंसी की बात करें, आप लोग करेंसी बता देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। इसराइल, इसराइल ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ इसराइल, इसराइल करेंसी क्या है, ये भी मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। खुशबू बोल रही है ऑस्ट्रेलिया, अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द फिफ्थ एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर, पांचवां एडिशन अजय वॉरियर का। ये सेलिसबरी प्लेन, सेलिसबरी प्लेन जो है वो कहां पर है ये बता दीजिए। मतलब यानी इंडिया अजय वॉरियर नाम की डिफेंस एक्सरसाइज किसके साथ करता है, ये आपसे पूछा गया। न्यू शकेल, हाँ इसराइल की करेंसी है। अब मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए, व्हाट इज द राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, यूके, ऑप्शन नंबर थ्री यूके इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 136। हु इज द फर्स्ट एशियन फिल्म मेकर टू विन अकेडमी अवार्ड फॉर ओरिजिनल स्क्रीन प्ले कैटेगरी। तो मतलब क्या बोला गया है आपसे कि पहला एशियन फिल्म मेकर जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला है फॉर ओरिजिनल स्क्रीन प्ले कैटेगरी, व्हाट इज हिज नेम, इनका नाम क्या है और किस मूवी के लिए मिला है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अब आंसर की बात करेंगे गाइस, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बोंग जोन हू। बोंग जोन हू है ये,
तो बोंग जोन हु कौन सी मूवी के लिए थे क्या आपको पता है? बोंग जो हुन तो पैरासाइट, ठीक है ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली हु हैज क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन पोल वॉल्ट विद द जंप ऑफ 6.17 मीटर, बीटिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 6.16 मीटर एट वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर टूर मीटिंग इन पोलैंड. ठीक, यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर टूर कहां पर हुआ? पोलैंड में हुआ. यहां पर किस एथलीट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन पोल वॉल्ट, ये आपसे पूछा गया और आंसर क्या होगा ये आपको बताना है. वी हैव फाइव ऑप्शन, वी हैव फाइव ऑप्शन. और यहां पर बैली बोल रहे हैं अर्मंड मोंडो डुप्लेंट्स, क्या ये सही आंसर है? तो ये बिल्कुल सही आंसर है, अर्मंड मोंडो डुप्लेंट्स, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. ठीक है, देख लीजिएगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू हिट 5 कंसेक्यूटिव 50 प्लस स्कोर इन T20 इंटरनेशनल. तो हाल ही में वो कौन सा प्लेयर है, वो कौन सी प्लेयर है, नहीं मेल फीमेल दोनों है ठीक है, जिन्होंने T20 के लगातार 5 मुकाबलों में हाफ सेंचुरी बनाई? आइए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई नींद नहीं आ रही, आप भले मेरे ऊपर केस कर दें श्रेया चौधरी जी, बिल्कुल नहीं. आंसर की बात करें, आंसर इज सोफी डिवाइन. ये कौन से देश से खेलती हैं? तो ये न्यूजीलैंड की महिला टीम की कैप्टन भी हैं. तो न्यूजीलैंड कैप्टन सोफी डिवाइन की बात करें, ये फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने 5 लगातार पारियों में 50 प्लस रन बनाए. ठीक है, न्यूजीलैंड याद कर लीजिएगा अपने मन से, एलिट पैरी एक ही नाम सुनो बेटा वही बोलते जाओ केवल. नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री हैज अप्रूव द सेल ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम टू इंडिया फॉर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1.867 बिलियन. तो भारत को कौन सा देश 1.867 बिलियन डॉलर में एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली बेचने के लिए मंजूर दे दी है? वो कौन सा देश है ये आपको बताना है. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूएस, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. यूएस हमारा सही आंसर है. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एमओयू फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फिशरीज डिपार्टमेंट. सितंबर में ये एमओयू साइन हुआ था और फरवरी में अप्रूवल मिल गया है. और वो किस चीज के लिए है देख लीजिए, तो फिश डेवलपमेंट इन द फिशरीज डिपार्टमेंट की बात हो रही है. तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया ये आपको बताना है. व्हाट इज द आंसर? आकाशदीप आप लेट हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपने मान लिया इस बात को. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आइसलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. आइसलैंड हमारा सही आंसर है. आइसलैंड की कैपिटल रिकजाविक है और करेंसी क्रोना है, याद कर लीजिएगा ये सारे पॉइंट. हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द 43rd सेशन ऑफ द एनुअल गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द थीम, आपको थीम भी बताई गई है, ये कहां पर हुआ था? यानी सिंपल लैंग्वेज में 43rd एडिशन आपसे पूछा गया है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ये कहां पर हुआ? थीम आपको बताई गई है क्वेश्चन में, आपको बस यही बताना ये कहां पर हुआ. आंसर अंशुल बोल रहे हैं रोम में हुआ, प्रेरणा बोल रही है रोम में हुआ, और बैरन बोल रहे हैं रोम में हुआ. एंड द आंसर इज रोम, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया. ये क्वेश्चन मैं अपने करंट अफेयर्स में रिविजन करा चुका हूं. आइए नेक्स्ट पॉइंट, नासा की बात करें. नासा रोबोट विच इज गोइंग टू स्टडी मिनरोलॉजी ऑफ मार्स ड्यूरिंग मार्स 2020 रोवर मिशन इज. तो नासा कौन सा अपना रोबोट जो है वो मार्स पर भेज रहा है, वहां पे कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे सबके रिसर्च करने के लिए? वी हैव फाइव ऑप्शन. व्हाट इज योर आंसर? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुपर कैम, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. अपने मन से गलत सलत आंसर मत दीजिए, ठीक है? सुपर कैम ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली फाउंड 79 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल ऑफ न्यू थानाथेरेपिस्टो. ये एक डायनासोर की प्रजाति थी. तो 79 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल ये किस देश में पाया गया ये आपसे पूछा गया. वी हैव फाइव ऑप्शंस. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कनाडा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन हैज कैंसल्ड द वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस 2020 ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस. तो ये जो वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस है ये कहां पर होने वाला था? वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस ये कैंसिल हो गया ये इवेंट ड्यू टू कोरोना वायरस. तो ये कहां पर होने वाला है ये आपसे पूछा गया. वी हैव फाइव ऑप्शन.
और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बार्सिलोना स्पेन, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अनिशुल, ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एमओयू टू डेवलप अ वर्ल्ड क्लास नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, गुजरात। तो किस कंट्री के साथ मिलकर ये हो रहा है? मैरीटाइम म्यूजियम बनेगा एक हमारे देश में, लोथल में, गुजरात में। कौन सा देश इसमें हेल्प कर रहा है? मेरे ख्याल से ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। पुर्तगाल हमारा सही आंसर है। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है एंड द करेंसी इज यूरो। तो आप लोग को ये पता है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, विच इज द फर्स्ट अरब कंट्री दैट इशू लाइसेंस टू ऑपरेट द रिएक्टर इन इट्स न्यूक्लियर रिएक्टर। वह पहला अरब देश कौन सा है जो अपने परमाणु रिएक्टर में रिएक्टर को संचालित करने के लिए लाइसेंस जारी कर रहा है? यह अच्छी बात है, पहला देश कौन सा है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सही आंसर देना है, व्हाट इज द राइट आंसर। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यूएई है, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। आंसर तो यूएई हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री हैज अपॉइंटेड बैरी ओ'फेरल एज इट्स नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया रिप्लेसिंग हरिंदर सिंधु? तो ये तो मैंने ही पढ़ा है आपको, अभी आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे बिकॉज हम फरवरी में चल रहे हैं। तो फरवरी अगर आप मुझे फॉलो कर रहे थे तो आप सही आंसर दे लेंगे, बिकॉज हमारे करंट अफेयर्स में भी हमने फरवरी के बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करवाए। आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जूनियर मेंस वर्ल्ड कप 2021? जूनियर मेंस वर्ल्ड कप 2021 ये कौन सा देश होस्ट करने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। वी हैव फाइव ऑप्शन अगेन, ये भी आप लोग को रिवीजन में करवा चुका हूं अपने मॉर्निंग वाले 7 AM करंट अफेयर सेशन में। एंड द आंसर इज इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया 2021 में जूनियर मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, और इसके साथ ही साथ बताया गया है कि वुमेन जूनियर वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। देख लीजिए, तो अगर हम बात करें मेंस वर्ल्ड कप जूनियर कौन करेगा होस्ट, इंडिया, और वुमेन कौन करेगा, साउथ अफ्रीका। इन दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। चलिए, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप? अब आप लोग आंसर दे लोगे। तो हॉकी की बात कर रहे थे, जूनियर वर्ल्ड कप 2021 इंडिया होस्ट करेगा, और जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड कप 2021 कौन करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा। तो ये आप लोग को याद हो गया अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हॉल ऑफ फेम गोल्फर माइकी राइट हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री? हॉल ऑफ फेम में थे, गोल्फर थे मिक्की राइट, इनका निधन हो गया। गोल्फ जैसे कि हर स्पोर्ट्स में हॉल ऑफ फेम में कुछ लोग होते हैं जो मतलब काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, फेमस पर्सनालिटी होते हैं। तो गोल्फ में मिक्की राइट एक बड़े फेमस स्पोर्ट्स पर्सन थे जो हॉल ऑफ फेम में भी थे, उनका निधन हो गया। वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपसे पूछा गया। यूएसए ऑफकोर्स, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड लेटर ऑफ इंटेंट फॉर कोलाबरेशन ऑन ब्लू इकॉनमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये मैं आपको अपने करंट अफेयर्स में रिवीजन करा चुका हूं। ब्लू इकॉनमी के लिए, नीली अर्थव्यवस्था मतलब मैरीटाइम इकॉनमी के लिए इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है? वी हैव फाइव ऑप्शन, व्हाट इज योर आंसर? अच्छा हाँ ठीक है, सोनन। And the right answer is Norway, option number one is right answer। नाम में क्या रखा है, इन सब में लड़का लड़की महिला पुरुष ये भेदभाव मैं नहीं करता हूं। नॉर्वे ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया रशिया डिफेंस डील सेट टू क्रॉस हाउ मच अमाउंट इन फरवरी 2020? क्योंकि डिफेंस एक्सपो हुआ था, उसमें इंडिया और रशिया के बीच में 14 अग्रीमेंट साइन हुए, आपको बताइए तो कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। व्हाट इज योर आंसर? एंड द आंसर इज $16 बिलियन, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। 16 बिलियन हमारा सही आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। तो इंडिया ने साइन किया है 14 MOU विद रशिया ड्यूरिंग द डिफेंस एक्सपो 2020, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच कंट्री हैज टेस्टेड द न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल राड सेकेंड विद द रेंज ऑफ 600 किलोमीटर? ये तो आपको पता ही होगा, मैंने ही पढ़ाया आप लोगों को। What is the answer, guys? What is the answer? And the answer is Pakistan. Option number 2 is right answer. Next point. With which country India has recently signed MOU for regular passenger bus service? तो भारत ने अभी कौन सी देश के साथ एक नियमित यात्री बस सेवा के लिए समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? आंसर दीजिएगा।
एंड द आंसर इज म्यांमार, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार, म्यांमार की मुद्रा क्या है, जरा कमेंट में मुझे बताएं. नेक्स्ट पॉइंट, विच इज द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू होस्ट 2022 एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन वुमेन्स एशिया एशियन कप. मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको. हाँ रिची, मैंने ही पढ़ाया बेटा. हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे. और अगर आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इंडिया हो जाएगा. ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर, इंडिया हमारा सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज रिसीव ग्रासरूट चार्टर ब्रांच लेवल मेंबरशिप ऑफ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ AFC लोकेटेड एट. तो AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसे ब्रॉन्ज लेवल मेंबरशिप मिल गई है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन में. तो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये आपसे पूछा गया. और इसका आंसर कुआलालंपुर मलेशिया, ऑप्शन नंबर फाइव इज राइट आंसर. क्यात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट पॉइंट, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ 24 सिरकोस्की MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर वर्थ $2.6 बिलियन फ्रॉम विच कंट्री. तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, काफी मतलब उसमें था, न्यूज में था. नमस्ते ट्रंप. एंड व्हाट इज द आंसर, एंड द आंसर इज US, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कौन सी देश को कंटिन्यू 4 मंथ के लिए फिर से FATF लिस्ट में डाल दिया. ये देश बड़ा गरीब है, ये देश बड़ा गरीब है और उसके ऊपर जुल्म हो रहा है. इसको कंटिन्यूअस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में डाल की लिस्ट में डाला गया, ग्रे लिस्ट में. FATF का हेडक्वार्टर फ्रांस में है, फ्रांस में कहां पे जरा मुझे बताइएगा. एंड द आंसर इज पेरिस फ्रांस, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वीडन रिस्क बैंक हैज बिगन द टेस्टिंग ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वर्जन नेम. तो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है रिस्क बैंक, उसने पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शुरू कर दिया है. और इसका नाम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है. एंड द आंसर इज ई क्रोना, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. ई क्रोना हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडिया साइंड MOU फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लांटेशन स्कूल फॉर ई स्टेट वर्कर ऑफ इंडियन ओरिजिन. तो हाल ही में किस देश के साथ भारतीय मूल के स्टेट श्रमिकों के वृक्षारोपण स्कूलों में बुनियादी प्लांटेशन स्कूल का मतलब जो LKG UKG होता है उनके लिए बात हो रही है. तो इंडिया ने किस कंट्री से MOU साइन किया है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, ये पूछा गया. और इसका आंसर क्या होगा, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, द 9th डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपोर्ट ग्रुप मीटिंग ऑफ SCO वॉज हेल्ड एट विच कंट्री. मैं ये पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, आंसर दीजिए सही. एंड द आंसर इज इस्लामाबाद पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. इस्लामाबाद पाकिस्तान. कल हम नेशनल अफेयर्स पढ़ने आ रहे हैं 12 बजे ही, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द 3rd ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी विद द थीम अचीविंग ग्लोबल गोल 2030 हेल्ड एट. गडकरी जी यहां पे गए थे, मैंने पढ़ाया ये सब पॉइंट आपको. एंड द राइट आंसर इज स्टॉकहोम स्वीडन, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी प्लेयर एलेक्स डैनसन बेनेट हु अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री. एंड राइट आंसर इज ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री विच इज गोइंग टू होस्ट द न्यू एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड कप. मैंने खुद पढ़ाया आपको, आंसर आंसर आंसर. एंड राइट आंसर इज रशिया, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री हैज एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन बॉडी ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज फॉर 3 ईयर. सही बताना, सब पढ़ाए हुए हैं ये सब, कमेंट चेक कर रहे हैं पूरा ध्यान से हम. निशा यादव जी, सब भूल जा रहे हैं. पूजा सोट के बेटा अखरोट खाया करो और बादाम, अखरोट माइंड को अच्छा करता है, शार्प करता है थोड़ा. एंड राइट आंसर इज इंडिया, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, नेम द अरब नेशन विच होस्टेड द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग थीम रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल. मैंने खुद पढ़ाया है आपको. हाँ बैरी, आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा. एंड राइट आंसर इज सऊदी अरेबिया, रियाद में हुआ, यह भी मैंने पढ़ाया था. नेक्स्ट पॉइंट, अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ चाइना शंघाई
नहीं रुक जाओ, ये क्वेश्चन रुक जाओ, ये क्वेश्चन नहीं, गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैबिटेबल जोन प्लैनेट फाइंडर, ये भी रुको, दो क्वेश्चन कहाँ से वापस आ गए, हाँ यहाँ से 171 से करना है, ठीक है, वो दो क्वेश्चन नहीं। महातीर बिन मोहम्मद हु इज इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री, इन्होंने रिजाइन दे दिया, आपको पता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी एक गरीब देश के गरीब प्रधानमंत्री थे, रिजाइन दे दिया इन्होंने। और मलेशिया ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बैंड यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूशी फ्रॉम क्रिकेट फॉर 7 ईयर ड्यूरिंग फिक्सिंग चेंजेस। तो यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूशी जो है वो किस कंट्री खिलाड़ी हैं, ये आपसे पूछा गया। हाँ 94 ईयर थे सोनम जी, हाँ। एंड राइट आंसर इज ओमान, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ओमान हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, कैथरीन जॉनसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, नासा की ये बड़ी अच्छी क्या थी ये आपको बताना है फिलहाल। कैथरीन जॉनसन एंड द आंसर इज मैथमेटिशियन, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। द फिफ्थ एडिशन ऑफ द इंद्रधनुष 2020 हेल्ड एट हिंडन एयरबेस उत्तर प्रदेश। द इंद्रधनुष इज द एयर एक्सरसाइज इंडिया कौन से कंट्री के साथ करता है, ये आपसे पूछा गया। एंड राइट आंसर इज यूके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होस्नी मुबारक हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, होस्नी मुबारक जिनका निधन हो गया वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये आपसे पूछा गया। कल हम लोग नेशनल अफेयर्स करने वाले हैं, दिन के 12 बजे जरूर क्लास में आइएगा। एंड राइट आंसर इज इजिप्ट, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट गिव अप्रूवल फॉर द एग्जेम्पशन ऑफ इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज गाइडलाइन फॉर द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट कहां पर है, सिंपल सा क्वेश्चन ये बता दीजिए। तो गाइज ये कहां पे है, ईरान में है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ये भी आपको याद है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द 43rd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल श्रीलंका गवर्नमेंट विदड्रॉ फ्रॉम UNHRC। तो ये कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ये आपसे पूछा गया है, आंसर दीजिएगा, व्हाट इज द आंसर। यूनाइटेड नेशन का जो मतलब श्रीलंका ने उनके रेजोल्यूशन से अपने आप को अलग कर लिया है, क्योंकि श्रीलंका में फॉर एग्जाम्पल चाइना और US का जो भी दखल है, बिकॉज चाइना कई सारे पोर्ट पर कब्जा कर चुकी है श्रीलंका के, US इसीलिए चाइना को डांटता रहता है हमेशा, बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसने अपने आप को हटाई लिया। जेनेवा ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। द 2-डे कॉन्फ्रेंस ऑन एनहेंसिंग एनर्जी कोऑपरेशन इन द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मीन्स बीमस्टेक रीजन हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। दो दिन का कॉन्फ्रेंस ऑन एनहेंसिंग एनर्जी कोऑपरेशन बिम्स्टेक रीजन में, वो कहां पर हुआ, ये आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ढाका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। टेनिस प्लेयर मारिया शरापोवा हु अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली, ये किस खेल से बिलोंग करती हैं, ये आपसे पूछा गया, किस देश से। अच्छा टेनिस प्लेयर है, किस देश से बिलोंग करती हैं, तो शरापोवा कोर्निकोवा ये सब नाम रशिया में चलता है, रशिया ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, रशिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपसे पूछा कैथरीन जॉनसन क्या थी, तो कैथरीन जॉनसन की बात हो रही है, कोच की बात नहीं हो रही, तो पहले टोनी जी देख लीजिए, और ये मैथमेटिशियन थी, तो न खुद कंफ्यूज हो रही है ना लोग करिए कंफ्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट बैम्बू फॉसिल डिस्कवर टर्न एज टू बी अ कन्फर एज एग्जामिन बाई द प्रोफेसर ऑफ पेनिनसुला। तो आपसे पूछा गया ये किस में पब्लिश हुआ, ये सब क्वेश्चन मैं डिलीट कर दिया था, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिएगा, इसका आंसर फाइटो कीज है, उस जर्नल में ये आया था, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, ठीक है। चलिए तो थैंक यू सो मच गाइज, आपका इंटरनेशनल अफेयर्स एक तरह से कंप्लीट होता है दिसंबर जनवरी फरवरी, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स कराने का पहला रीज़न ये था कि आपको समिट इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी सबका एक रिविज़न हो जाता है।
और उसी तरह हम नेशनल करेंगे तो सबका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे, लाइक अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर, कमेटी, बैंकिंग, फाइनेंस, एमओयूज, सबकी हम बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे साथ डेली। 7 AM पे मिलेंगे हम फॉर द करंट अफेयर्स एंड मिलेंगे 12 AM पे फॉर द नेशनल अफेयर्स। और हाँ, दिन के 2 बजे मेरी एक वीडियो आ रही है CRR में कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए।